अलवर के राजगढ़ में स्कूल जीप के नीचे आ जाने से 10 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई है। सूचना पर टहला पुलिस मौके पर पहुंची और बच्ची के परिजन और ग्रामीण शव को सड़क पर रखकर विद्यालय के संस्थापक को मौके पर बुलाने के लिए अड़े हुए हैं। टहला नायब तहसीलदार शरद राठिया मौके पर पहुंचकर परिजनों से समझाइश के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं बच्ची के दादा ने बताया कि गाड़ी के चालक को लेकर बार बार विद्यालय प्रबंधन को अवगत करवा दिया गया था, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। गोलागाबास आईपीएस स्कूल में चौथी क्लास में पढ़ती थी, वो 3 बजे स्कूल से उसी गाड़ी में आ रही थी। उसी गाड़ी के ड्राइवर ने उसको उतार के और बैग लेके ड्राइवर पहिए से फोड़ दिया और खत्म कर दी, मार दी। आईपीएस स्कूल गोलागाबास में कक्षा 4 में पढ़ती थी, उसका नाम निधि था, उसके बाप का नाम विकास था और मेरी पोती थी, मेरा नाम लाडली सेठ कौशिक है। और वो गाड़ी में रोज सुबह आती थी, शाम को जाती थी। बच्चे 3-4 बच्चे जाते थे, मेरे 4 पोते जाते थे। 2 को उतार दिया और उसको उतार करके बैग लेके और टायर से फोड़ दिया। गोलागाबाद रक्षक ही भक्षक बनेंगे तो कौन से बच्चे विद्यालय के लिए पढ़ने जाएंगे, ऐसे वाहनों में बैठ करके जाएंगे। इसलिए प्रशासन को ये देखना चाहिए विद्यालय के अंदर जो वाहन चला रहे हैं उन ड्राइवरों की भी जाँच हो, उनका वो सही तरीके से ट्रेंड है या नहीं है। इस आए दिन बच्चे मरेंगे, इस तरह तो एक बच्चा नहीं 10 बच्चे मरेंगे, जितने बैठे हैं वो सब मरेंगे। इसलिए प्रशासन को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, अन्यथा ये उग्र आंदोलन हो सकता है, ये आंदोलन उग्र हो सकता है। राम सरण कौशिक पुत्र श्री बद्र प्रसाद कौशिक सेवानिवृत्त का बाबा छोटा और सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य, प्रशासन को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, अन्यथा इसका परिणाम फिर हम आगे जाके रोड रोकेंगे गोलागाबास और भाई।